दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पत्नी पति से अलग होने के कितने दिन बाद 125 सीआरपीसी का केस कर सकती है। अगर पत्नी काफी ज्यादा टाइम बिताने के बाद में 125 सीआरपीसी का केस करती है, तो क्या पत्नी का जो वो केस उसने किया है वो पति के द्वारा खारिज करवाया जा सकता है या नहीं? क्या उस केस के अंदर भी हमें पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं? तो दोस्तों, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूं, तो इस वीडियो में एंड तक पूरा जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता, आपका अपने चैनल लेट्स टॉक लॉज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि पति से अलग होने के 3 साल के बाद में अगर पत्नी 498 का केस करती है तो उस केस को जो है वो पति खारिज करवा सकते हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है। और अगर पत्नी पति से अलग होने के 1 साल के बाद में डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है तो उस केस को भी पति खारिज करवा सकते हैं। इसके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है। हालांकि दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट और दिया और उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पत्नी अगर पति से कभी भी अलग होती है और कितने भी दिन अलग होने के बाद में अगर पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है तो वो पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस का जो वो पति के ऊपर में उसने केस किया है पत्नी ने वो कर सकती है। यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस पति के ऊपर पत्नी के द्वारा करने का कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का पहले वाला जजमेंट आया है कि पति से अलग होने के 1 साल के बाद में अगर पत्नी डीवी का केस करती है तो उस केस को खारिज करवाया जा सकता है, तो आप उस जजमेंट की हेल्प जो है वो अपने केस में आप जरूर ले सकते हैं। यानी कि आप उस आधार पर कोर्ट के अंदर ये बात रख सकते हैं अपनी कि अगर पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था तो पत्नी ने तुरंत से एक्शन क्यों नहीं लिया, पत्नी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, किसी व्यक्ति को कोई कष्ट या किसी व्यक्ति को किसी तरीके की प्रताड़ना दी जा रही है, किसी के साथ में कुछ अन्याय हो रहा है, कोई व्यक्ति दुखी है, तो वो इतने साल तक वेट क्यों कर रहा था, उसने तुरंत से एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसको न्याय चाहिए। अगर वो दुखी है तो यहाँ पर पति अलग होने के 1 साल बाद में अगर पति के ऊपर पत्नी ने डीवी का केस किया है तो उस जजमेंट का पति हेल्प लेकर के अपनी बात को कोर्ट में रख सकता है कि पत्नी ने 1 साल के बाद में डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है, यानी कि पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वजह से पत्नी के डीवी के केस के अंदर में इतना ज्यादा समय लिया गया है, इसलिए ये केस खारिज होना चाहिए। पति अपनी बात को रख सकते हैं कि ये केस झूठा है, ये केस गलत है, और इस तरीके से वो अपने केस को खारिज करवा सकते हैं। मगर दोस्तों, अब बात आती है 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस को लेकर के, क्योंकि ऐसे सवाल जो हैं वो बार बार आते हैं और इस तरीके के केसेस बहुत बार देखने को मिलते हैं कि जब 498 का तोड़ है, डोमेस्टिक वायलेंस का तोड़ है, कि ये केस इतने समय के बाद किया गया है पति से अलग होने के बाद में और इसको खारिज करवाया जा सकता है, तो यहाँ पर अब 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस को भी खारिज करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आप इस तरीके के केस को खारिज करवा सकते हैं। इसके लिए जो आपको करना है वो ये है कि हमारी पत्नी हमारे से 2 साल से अलग रह रही है, 3 साल से अलग रह रही है, 5 साल से अलग रह रही है, 10 साल से अलग रह रही है, जितने भी टाइम से आपकी वाइफ आपसे अलग रह रही है, आपको उसके बाद में उसने 125 सीआरपीसी का केस इतने सालों के बाद किया है, तो क्या वो केस खारिज हो सकता है या नहीं हो सकता है? आपको इसके लिए दोस्तों पति को 125 सीआरपीसी के केस के अंदर कोर्ट के अंदर इस तरीके से अपनी बात रखनी है कि जैसे कि पत्नी 2 साल के बाद में मान लीजिए कि 125 सीआरपीसी का पति के ऊपर में केस किया है, तो पति के पास भी आधार हो जाएगा कि पत्नी फिर 2 साल से अपना गुजारा कैसे कर रही थी, पत्नी अपना भरण पोषण कैसे कर रही थी, तो इसी पॉइंट से पत्नी जो है वो कोर्ट के सामने शक के दायरे में आ जाएंगी कि ये पत्नी अपना भरण पोषण 2 साल 3 साल 4 साल से कैसे कर रही थी, ये यानी कि इन्होंने इतना लेट भरण पोषण के लिए केस किया, यानी कि ये अपना भरण पोषण कर सकती है, ये भरण पोषण करने में सक्षम है और इनको किसी भी तरीके की भरण पोषण की जरूरत पति से नहीं है,
तो यहाँ पे कोई ना कोई दोस्तों रीजन होगा। उसके बाद पति को वहां पे अपनी बात रखनी है और अपनी अपने फेवरेबल बातें कोर्ट को बतानी है कि पत्नी बिना किसी कारण से ही मेरे से अलग रह रही है। पति ने अगर पत्नी को लाने के जो भी प्रयास वगैरह किए हैं, उसके जो भी एविडेंसेस पति के पास में हो, उसे कोर्ट के सामने रखना है। इसके अलावा पत्नी खुद पति के साथ नहीं रहना चाहती है, इस बात को प्रूव करना करना है पति को। इस तरह के इससे रिलेटेड जो भी एविडेंस पति के पास में हो, वो पति अपना कोर्ट के सामने रख सकता है। पत्नी ने अगर मना कर दिया है कि वो अलग होना चाहती है, पति के साथ में नहीं रहना चाहती है, तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई एविडेंस पति के पास में है, तो वो भी वो कोर्ट के सामने रख सकते हैं। इसके और अलावा अगर मेंटेनेंस का केस होने पर भी पति ये चाहता है कि ये पत्नी मेरी मेरे साथ आ करके रहे, तो ये बात भी पति को कोर्ट के अंदर बोलनी है कि मैं इस पत्नी को रखने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में वो पत्नी जो है वो खुद ही नहीं रहना चाहेगी, तो वो खुद ही कोर्ट के सामने मना कर देगी। और आपको ये बताना है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और आपके पास में पत्नी के पढ़े लिखे होने के एविडेंसेस हैं, तो आपको वो कोर्ट के सामने रखने हैं कि पत्नी खुद जॉब कर सकती है, या फिर वो खुद मेरी पत्नी ऑलरेडी जॉब कर रही है, तो अगर उससे रिलेटेड भी पति के पास में कोई एविडेंस है, तो वो भी कोर्ट के सामने रखने हैं, या फिर पत्नी पहले से ही जॉब में है, तो उससे रिलेटेड एविडेंस भी कोर्ट के सामने रखने हैं। और अभी पत्नी ने मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी का केस पति के ऊपर में कर दिया है, तब उसने जॉब छोड़ दिया है, तो ये भी बात पति कोर्ट के सामने अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी रख सकते हैं। उसके बाद में पत्नी एडल्ट्री के अंदर है अगर, तो ये स्थिति भी पत्नी पति जो है वो कोर्ट के सामने रख सकते हैं इस सिचुएशन में भी। इसके बाद इसके अलावा मान लीजिए कि दोनों म्यूचुअल कंसेंट के साथ में अलग हुए हैं, अगर म्यूचुअल डाइवोर्स उन दोनों ने ले लिया है और तब पत्नी ने अगर फिर भी मेंटेनेंस का केस किया है, तो ये भी बात पति कोर्ट के सामने रख सकते हैं, या फिर पत्नी ने अगर दूसरी मैरिज परफॉर्म कर ली है, तो ये भी बात पति कोर्ट के सामने रख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर पति के पास में मेंटेनेंस से बचने का एक भी ग्राउंड है, एक भी एविडेंस है, तो वो पति कोर्ट के सामने रख कर कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं, कोर्ट को ये बता सकते हैं कि ये पत्नी मेंटेनेंस लेने के लायक नहीं है। तो इस ग्राउंड पर पति को कोर्ट को कन्विंस करना है कि पत्नी जब इतने टाइम के बाद मेरे ऊपर 125 सीआरपीसी का केस कर रही है, तो इस कारण से पत्नी को भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है, पत्नी इतने समय से भरण पोषण अपना करने में सक्षम थी और वो अपना भरण पोषण करने में पूरी तरीके से कैपेबल है, समर्थ है, तो ये पत्नी खुद अगर अपना भरण पोषण कर रही थी और पढ़ी लिखी है, अपना भरण पोषण कर सकती है, तो आगे भी फ्यूचर में ही अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। इस तरीके से कोर्ट को कन्विंस करना होगा, अच्छे से कोर्ट को समझाना होगा, तब पति के ऊपर कोर्ट मेंटेनेंस नहीं लगाएगी। 125 सीआरपीसी के केस में भी कोर्ट जो है वो केस को खारिज कर सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पति से अलग होने के 2 साल के बाद में अगर पत्नी 125 सीआरपीसी का केस करती है, तो ये एक टाइम पीरियड जो है वो सफिशियंट टाइम पीरियड है कि पति के पास में इस आधार से, इस टाइम पीरियड के बेसिस पर पति 125 सीआरपीसी के केस को खारिज करवा सकते हैं। कोर्ट के अंदर मजबूती के साथ पति को अपनी बात रखनी है और ऐसे केस के अंदर में पति को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके के मैटर्स में अगर आपको किसी भी तरीके की लीगल हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके माइंड में इस तरीके के डिवोर्स रिलेटेड मैटर में किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए, कोई भी आपके सवाल हो, इस तरीके के किसी भी मैटर्स में आप फंसे हुए हैं, तो आप मुझे अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। आगे आने वाली वीडियोस हो सकता है कि आपके उन प्रश्नों के जवाब के रूप में आपको मिल जाएं, तो अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। फिर मिलते हूँ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।